देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि स्कूलों की प्रत्येक रसोइयों को मिलेंगी साड़ी। रसोइयों की साल में दो बार उन्हें साड़ी दी जाएगी, मानदेय 500 रुपए भी बढ़ाया जाएगा। अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाए जाने की खबर सामने आई है। तो सीएम योगी की तरफ से एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। आपको बता दें कि स्कूल की प्रत्येक रसोइयों को साड़ी वितरित की जाएंगी। रसोइयों को साल में दो बार साड़ियों का वितरण किया जाएगा, वही मानदेय को 500 रुपए भी बढ़ाया जाएगा। अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां स्कूलों में प्रत्येक रसोइयों को अब साड़ी की सौगात दी जा रही है। आपको बता दें कि रसोइयों को साल में दो बार साड़ियां दी जाएगी, वही मानदेय 500 रुपए बढ़ाया जाएगा। अनुदेशकों का मानदेय भी 2000 रुपए तक बढ़ाया गया है। और इसी बीच चुनाव आयोग की बैठक में कांग्रेस की मांग सामने आई है, जहां पुलिस यूपी सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। वहीं कहा गया है कि एसीएस होम अविनीश अवस्थी को उनके पद से हटाया जाए, वहीं चुनाव केंद्रीय बलों के नेतृत्व में होना चाहिए, कांग्रेस की मांग है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां चुनाव आयोग की बैठक में कांग्रेस के कुछ मांगे सामने आई है, जहां कांग्रेस ने पुलिस यूपी सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने एसीएस होम अवनीश अवस्थी को उनके पद से हटाने की भी मांग की है। साथ ही चुनाव को केंद्रीय बलों के नेतृत्व में कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि नियमों का पालन हो, फिर पीएम की रैली आयोजित हो। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला, जहां पीयूष जैन के घर से मिले हैं 177.45 करोड़ रुपए नकदी को डीजीजीआई ने, आपको बता दें कि हासिल कर लिया है। कोर्ट में दाखिल किए गए हैं सभी दस्तावेज। बरामद रकम से टैक्स की पेनल्टी जो है वो करी जा रही है। विशेषज्ञों ने भी मामले पर अपनी जानकारी साझा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीयूष जैन से जुड़ा मामला, आपको बता रहे हैं जहां पीयूष जैन के घर से मिले 177.45 करोड़ रुपए वही नकदी को डीजीजीआई ने माना है टर्नओवर। कोर्ट में दाखिल किए गए दस्तावेजों से इसकी पुष्टि हुई है, वहीं अब टैक्स पेनल्टी भी इस पर लागू की गई है। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर, जहां आगरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि साइकिल और बाइक में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों को हायर सेंटर के लिए फिलहाल रेफर कर दिया गया है। तो आगरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि आगरा में साइकिल और बाइक सवार के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है, वहीं घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच आगरा से एक और बड़ी खबर बता रहे, जहां मामूली विवाद बना है मौत की वजह, जहां पति पत्नी के झगड़े में पत्नी तालाब में कूदी, पत्नी को बचाने वाला तालाब में कूदा पति। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी है। वहीं पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। मामला थाना मलपुरा के मीरापुर गांव गड़ी दौलता का बताया जा रहा है, जहां पर मामूली विवाद मौत की वजह बन गया है। आगरा से खबर सामने आई है, जहां पति पत्नी के झगड़े की वजह से पत्नी ने तालाब में छलांग लगा दी, वहीं पत्नी को बचाने के लिए पति ने भी तालाब में छलांग लगा दी है। मामला संज्ञान में आने के बाद से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। दंपति की खोजबीन फिलहाल जारी है। वही फतेहपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि घर में घुसकर दबंग पड़ोसी ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। पड़ोसी ने दो नाबालिग बच्चियों के साथ मारपीट की है। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वही दलित परिजनों ने फिलहाल थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच फतेहपुर में मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
भाई आपको बता दें कि बढ़ती ठंड की वजह से घरों में ही रहने को इस वक्त लोग मजबूर हैं और लोग आग का सहारा इस वक्त ले रहे हैं। फतेहपुर से पूरी खबर सामने आई है जहां पर मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि फतेहपुर में लोग इस वक्त ठंड के प्रकोप को झेल रहे हैं, वहीं लोग अपने घरों में अलाव का सहारा ले रहे हैं। और सीबी शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जो आवारा पशुओं का आतंक शाहजहांपुर में देखने को मिला है। किसानों ने गायों को स्कूल में कैद कर दिया है। किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे थे ये आवारा पशु, जिसके बाद किसानों ने सभी को एक स्कूल में बंद कर दिया है। जलालाबाद के लहरवार का गांव का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आतंक मचा रखा है इस वक्त आवारा पशुओं ने, जिसकी वजह से अभी किसानों ने परेशान होकर गायों को एक स्कूल में बंद कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी, जिसकी वजह से आवारा पशुओं के साथ ही काम किया गया है। थाना जलालाबाद के लहरावर गांव का ये पूरा मामला इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आवारा पशुओं का आतंक इस वक्त देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों ने गायों को एक स्कूल के अंदर बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।